नमस्कार दोस्तों, आयकर संबंधी अपनी चर्चा की श्रृंखला में मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने, उसका नाम मैंने लिया है, क्या आपका आयकर रिफंड बकाया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड प्राप्त कर लेना सर अपने आप में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं रिसेंट जो एक नोटिफिकेशन या जो एक प्रेस रिलीज भारत सरकार की ओर से आई है ट्वीट के थ्रू के 5 लाख रुपए तक के आयकर के रिफंड तत्काल दे दिए जाएंगे और बेसिकली उसका पर्पज़ यही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो एक आर्थिक तंगी का माहौल है उसमें करदाताओं के जो रिफंड डिपार्टमेंट के पास अटके हुए हैं उनको डिपार्टमेंट तुरंत रिलीज करने की कार्यवाही करे ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी क्रिएट हो। तो इसी विषय को आगे लेते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, ये रिलेवेंट प्रेस नोट है जो कि 8 अप्रैल 2020 को जारी किया भारत सरकार ने, जिसमें भारत सरकार कह रही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन एंड विद अ व्यू टू प्रोवाइड इमीडिएट लीव टू द बिजनेस एंटिटीज एंड इंडिविजुअल, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इशू ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड अप टू ₹5 लाख इमीडिएटली। तो बहुत सारे लोग सर जिनके रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अटके हुए हैं उनके लिए एक आशा की किरण यहाँ बनती दिख रही है। बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार ये भी कह रही है कि वो इशू करने जा रही है ऑल पेंडिंग GST एंड कस्टम रिफंड विच वुड बी ऑल्सो बेनिफिटिंग अराउंड 1 लाख बिजनेस एंटिटीज। तो भारत सरकार सर GST और कस्टम के रिफंड्स भी तत्काल इशू करने का प्रयास करेगी। तो बेसिकली इंटेंशन ये है सर कि कोविड-19 से जो एक आर्थिक परिदृश्य बना है उस आर्थिक परिदृश्य में लोगों की लिक्विडिटी सिचुएशन इम्प्रूव करें ताकि जो भी रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अटके हैं अगर वो असेसीज तक पहुंचेंगे तो असेसीज की कैश पोजिशन अच्छी क्रिएट हो। अब एक मूल मुद्दा समझिए सर, मेरा प्रश्न है, व्हेन इनकम टैक्स रिफंड इज ड्यू टू एन असेसी, किसी असेसी को इनकम टैक्स रिफंड ड्यू कब होता है? तो मैंने सर इसके 3 सिनारियो यहाँ पर आइडेंटिफाई किए, हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है लेकिन लगभग इन्हीं परिस्थितियों में हम इनकम टैक्स रिफंड ड्यू क्लेम करते हैं। 1, ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिटेड एज TDS, TCS, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR, कि जब आपका TDS ज़्यादा कट गया, आपसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ज़्यादा ले लिया गया, आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पैसा ज़्यादा जमा करा दिया। देन रिफंड ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट और रेक्टिफिकेशन, क्या आपका असेसमेंट हुआ या आपने एक भूल सुधार अप्लाई किया डिपार्टमेंट में रेक्टिफिकेशन और उसकी वजह से रिफंड ड्यू हुआ। एंड तीसरा, रिफंड ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अपीलेट या रिविजन ऑर्डर। तो ये 3 मुख्य परिस्थितियां हैं सर जहां पर असेसी को रिफंड ड्यू होता है। कि दोस्तों, मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ में है ऑब्स्टेकल्स इन रिफंड, के रिफंड में बेसिक ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं। पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख देता हूं कि रिफंड आपको अलाउबल तभी होगा जब आपने ITR भरी है। तो यदि मैंने ITR ही नहीं भरी और रिफंड क्लेम करना चाहता हूं, उसका एक अलग प्रोसेस है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पर यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि सरकार अपने प्रेस रिलीज के थ्रू जिन रिफंड्स की बात कर रही है वो रिफंड के मामले हैं जिनमें कि असेसी ने ITR भरी है और वो रिफंड क्लेम करना चाह रहा है या रिफंड उसने क्लेम किया है पर अभी तक उसको रिफंड इशू नहीं हुआ। और ज़्यादातर मामलों में सर ऐसे रिफंड जो प्रैक्टिकली आज की डेट में अटके हुए हैं वो मैंने देखा है असेसमेंट ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 से संबंधित रिफंड है। अब मैं बात करता हूँ सर ऑब्स्टेकल्स इन रिफंड, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं जिनसे रिफंड अटक जाता है। रिफंड गेट स्टक ड्यू टू नॉन प्रोसेसिंग ऑफ ITR फाइल्ड बाय द असेसी। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे सर जिनमें हमने ITR फाइल करी, असेसी ने ITR फाइल करी लेकिन अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC विंग में किसी न किसी वजह से ITR ई वेरीफाइड स्टेटस आता है परंतु ITR प्रोसेस स्टेटस नहीं है। तो जब तक ITR प्रोसेस नहीं होगी सर तब तक रिफंड इशू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैं ये मान के चलता हूँ सर कि भारत सरकार जिन रिफंड्स की बात कर रही है वो रिफंड है जहाँ ITR प्रोसेस कर दी गई है, बिना ITR प्रोसेस के रिफंड इशू नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चले कि मेरा ITR प्रोसेस हुई या नहीं, तो उसके लिए मेरा सजेशन है आप इनकम टैक्स में अपना लॉगिन खोलिए। लॉगिन खोल करके आपका जो रिलेवेंट ITR है जैसे आप उसका स्टेटस चेक करेंगे तो वो बताएगा वेदर दिस इज ई वेरीफाइड और वेदर ITR वी टू बी रिसीव्ड इज पेंडिंग और वेदर ITR इज प्रोसेस। जो भी स्टेटस है सर, यदि वो ITR
प्रोसेस स्टेटस दिखा दे और आपका रिफंड ड्यू है, तो वो रिफंड सर इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में, प्रेस रिलीज में जो भारत सरकार ने बात की है, वो अब आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। अगली बात सर, रिफंड स्टक ड्यू टू पेंडिंग 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एडजस्टमेंट। तो 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व सर भारत सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू करी थी कि आपके आईटीआर को एक प्राइमा फेसाई प्रोसेसिंग करेंगे, और अगर उसकी वजह से उन्होंने कोई क्वेश्चनर रेज कर रखा है तो वहां उस क्वेश्चन का जब तक आपकी ओर से जवाब नहीं आएगा सेटिस्फैक्ट्री, तब तक रिफंड अटका रहेगा। तीसरी बात, रिफंड स्टक ड्यू टू डिमांड पेंडिंग इन अदर असेसमेंट ईयर। ऐसा भी बहुत सी बार देखा गया है सर कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 245 ऑफ इंकम टैक्स एक्ट 1961 का रेफरेंस लेके अगर मेरी पिछली कोई डिमांड ड्यू खड़ी है किसी भी वजह से, तो मेरे अगले ईयर्स के रिफंड रोक लेती है। अभी ये जो प्रेस रिलीज है इसमें कहीं ये बात नहीं की गई कि पिछले डिमांड की वजह से क्या आपके अभी के ईयर्स में जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं या किए हुए हैं वो रोकेंगे या नहीं। तो मुझे अभी भी यही लगता है सर कि अगर पीछे कोई डिमांड बकाया खड़ी है आपके केस में, तो डिपार्टमेंट आपको वो रिफंड यहाँ इशू करने वाला नहीं है। चौथी बात सर, रिफंड्स आर ऑल्सो स्टक ड्यू टू रेक्टिफिकेशन पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी। रेक्टिफिकेशन क्या है सर, कि कोई गलती हुई कैलकुलेशन में, टैक्स कंप्यूटेशन में, इनकम कंप्यूटेशन में, आपने उसका रेक्टिफिकेशन लगा रखा है और अभी तक डिपार्टमेंट वहां पर आपको रिफंड नहीं दे पा रहा है। और लास्ट, रिफंड स्टक ड्यू टू पेंडिंग बैंक अकाउंट वैलिडेशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर, आजकल ज्यादातर जो रिफंड अटक रहे हैं वो इस अंतिम बिंदु की वजह से ज्यादा अटक रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा और विस्तृत डिस्कशन आपके साथ आगे करूंगा। ऐसा मैंने आपको कहा सर कि प्री वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट पेंडेंसी इज अ वेरी हाईली नोटेड केस वेयर द रिफंड्स आर बीइंग स्टक। तो इस रीजन को रिमूव कैसे करना है ये आप समझिएगा। आपको अपने इनकम टैक्स का लॉगिन खोलना है, यानी आपका पैन पासवर्ड डाल करके आपके रिलेवेंट लॉगिन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट में जाना है। वहाँ फर्स्ट स्क्रीन आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ई फाइल, ई प्रोसीडिंग ऑप्शन दिखेंगे। उसी में एक ऑप्शन है सर प्रोफाइल सेटिंग। इस प्रोफाइल सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा सर प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अगली विंडो खुलेगी, बाय प्री वैलिडेटिंग द बैंक अकाउंट द टैक्स पेयर कैन रिसीव द रिफंड ओनली इन द प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट एंड कैन जनरेट ईवीसी एक्सेट्रा। अब यहाँ क्या क्या भरना है सर, पैन अपने आप आएगा, नेम आपका अपने आप आएगा, आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है, बैंक अकाउंट का टाइप करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट है वो डालना है, आपकी बैंक पासबुक पर या आपकी चेकबुक पर आईएफएससी कोड लिखा है वो आपको यहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ आपका बैंक नेम अपने आप आएगा, ब्रांच नेम अपने आप आएगी, मोबाइल नंबर आप अपना डालिए, ईमेल आईडी डालिए और प्री वैलिडेशन का बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर प्री वैलिडेशन का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कंफर्मेशन ऑफ वैलिडेशन इस फॉर्मेट में एक नया विंडो खुलेगा और इस विंडो पे मैसेज आ जाएगा, प्री वैलिडेट अकाउंट डिटेल, योर रिक्वेस्ट फॉर बैंक अकाउंट पैन लिंकिंग इज सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ट्रांजेक्शन आईडी इज सो एंड सो। तो यदि आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो आपकी ओर से रिफंड डिले का कोई रीजन अब नहीं है। अब डिपार्टमेंट चेक करेगा आपका प्री वैलिडेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया तो आपका रिफंड प्रोसेस करने के लिए आगे चलेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विल यू ऑल्सो गेट इंटरेस्ट ऑन द रिफंड ड्यू। बिल्कुल सर, सेक्शन 244A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स कि आपको जो भी रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलेगा उस पर आपको 0.5% यानी 6% सालाना या आधा परसेंट पर मंथ की दर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्याज भी देगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ब्याज कौन सी तिथि से मिलेगा। यदि आपका रिफंड एक्स्ट्रा TDS TCS एडवांस टैक्स की वजह से है और आपने रिटर्न टाइमली भर दी है तो सर आपको 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर की डेट से रिफंड पर ब्याज सहित राशि वापस मिलेगी, टैक्स भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाँ, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है सर तो आपने जिस दिन रिटर्न फाइल करी उससे लेकर के जब तक आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है तब तक के पीरियड का रिफंड का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रिफंड पर इंटरेस्ट के संदर्भ में असेसीज एट लार्ज को ध्यान रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैंने यहाँ पर शामिल किया है, क्लेमिंग रिफंड व्हेन नो आईटीआर इज फाइल्ड। बेसिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एकदम करंट एप्लीकेशन का तो नहीं है, परंतु मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसके अंदर किसी न किसी वजह से आप टाइमली अपनी रिटर्न नहीं भर पाए, अब
रिटर्न भरने का कोई ऑप्शन नहीं बचा और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं जो जेन्युइनली आपको ड्यू है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सीबीडीटी का सर्कुलर नंबर 9/2015 डेटेड 9 जून 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लिंक के थ्रू इस सर्कुलर पर सीधे पहुंच सकते हैं। इस सर्कुलर का मैसेज क्या है सर, कि कमिश्नर लेवल तक के अधिकारी या प्रिंसिपल कमिश्नर लेवल तक के अधिकारी 10 लाख रुपए तक का रिफंड किसी एक असेसमेंट ईयर के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि 10 लाख से ऊपर का रिफंड है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर लेवल के अधिकारी अधिकृत हैं और 50 लाख रुपए से ऊपर का रिफंड सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट कर सकती है। एक और बात सर जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी चाहिए, नो कंडोनेशन एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड और लॉस शेल बी एंटरटेन बियॉन्ड 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर विच सच एप्लीकेशन और क्लेम इज मेड। जैसे उदाहरण के लिए आपने असेसमेंट ईयर 13-14 की रिटर्न नहीं भरी और आपका कोई 25,000 रुपये का रिफंड क्लेम वहां पर बना हुआ है। अब इस 25,000 रुपये के रिफंड क्लेम को आज अगर आप 10 अप्रैल 2020 में क्लेम करना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर 13-14 खत्म हुए, 6 साल निकल चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर, क्योंकि 6 साल का पीरियड निकल गया है तो आप वो रिफंड अब क्लेम नहीं कर सकते। ये एक बात इस सर्कुलर से निकल करके आती है। एक और महत्वपूर्ण बात है सर, यहाँ कंडोनेशन एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द एप्लीकेशन इज रिसीव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज फार एज पॉसिबल। तो ये एक टाइम लिमिट भी सर आपकी डिलेड रिफंड एप्लीकेशन को सेटल करने का लॉ में दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात सर जो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, हाउ टू चेक ऑनलाइन रिफंड स्टेटस। आपके इनकम टैक्स रिफंड का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है सर। मैंने ये भी फील किया है कि बहुत सारे असेसीज अपडेटेड नहीं है कि उनका रिफंड आ गया था उनके खाते में या नहीं आया था। तो एक तरीका है आप अपना बैंक अकाउंट चेक करिए, दूसरा तरीका है आप इस लिंक पर जो कि tin.nsdl की साइट है यहाँ चेक करिए, अपना पैन नंबर डालिए सर, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जिसमें आपका रिफंड ड्यू था वो डालिए, कैप्चा कोड डालिए और यहाँ पर सर आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए तो आपको अपने आप स्टेटस अपडेट होगा कि आपका रिलेवेंट ईयर का रिफंड ड्यू है अभी भी या वो रिफंड दे दिया गया है या रिफंड ईओ के पास में पेंडिंग है। तो जो भी स्टेटस है सर वो आपको इस लिंक को क्लिक करने से क्लियर होगा। दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ मुझे सुनने के लिए। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है सर कि रिफंड से रिलेटेड ये वीडियो आपको आपके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में, इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करने में या उसमें आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा। मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि आप यदि रिफंड के लिए परेशान हो रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से जरूर मिलिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि आपका रिफंड किस वजह से रुका है और वो रिफंड कैसे क्लेम किया जा सकता है। अगेन धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।